दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूट्रिशन 99 में दोस्तों यह है मेरे पास मार्स बाइ जी का अश्वगंधा दोस्तों अश्वगंधा की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं बहुत से ब्रांड्स की वीडियो बनाई हुई हैं जो आपने देखी हैं और आप यूज़ भी कर रहे हैं तो ये ब्रांड कह रहा है कि हमारा अश्वगंधा काफ़ी अच्छा है तो आज इसके हम रिव्यू करेंगे और अश्वगंधा के फ़ायदों के बारे में भी जानेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो होने वाली है दोस्तों अश्वगंधा काफी समय से भारत में इस्तेमाल की जा रही है आयुर्वेद में काफी समय से इस्तेमाल की जा रही है तो ये अश्वगंधा जो है इसमें इसका अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है इसलिए ये थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव है बाकी जो ब्रांड यूज करते हैं वो उसका पाउडर यूज करते हैं जो कि आपको देर से असर देता है तो ये देखिए अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट 500 हंड्रेड एम जी यानी कि एक कैप्सूल में आपको 500 हंड्रेड एम जी अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट मिलता है बाकी उसमें इंग्रीडियंट डाले गए हैं जैसे जैसे कि सैल्यू वगैरह डाले गए हैं प्राइस की बात करें तो इसका सेवन नाइन्टी नाइन प्राइज़ है और डिस्काउंट करके आपको साढ़े पाँच सौ या पाँच सौ रुपये तक आसानी से मिल जाएगी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से बाय कर सकते हैं तो मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को भी ये रिकमेंड किया है जिन्हें अच्छे इसके रिज़ल्ट मिले हैं साठ इसमें आपको कैप्सूल मिलेंगे यानी कि अगर आप डेली दो कैप्सूल लेते हैं तो आपका एक महीने की डोज़ है तो ये देखिए पैकिंग काफ़ी अच्छी पैकिंग की गई है इसमें अगर कैप्सूल देखें तो मैं आपको कैप्सूल भी निकाल के दिखाता हूँ ये देखिए इसमें आपको ऐसे ट्रांसपेरेंट वेज कैप्सूल मिलेंगे अगर आप नॉन वेज नहीं खाते तो वेजिटेरियन कैप्सूल है इसमें ये भी आपको घबराने की जरूरत नहीं कि आपको नॉन वेज कैप्सूल मिल रहे हैं वेज कैप्सूल है और एक्सट्रैक्ट है ये अश्वगंधा का जो कि काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है एक कैप्सूल जो आप नॉर्मल या फिर जेनरिक अश्वगंधा यूज़ करते हैं उसकी दस गोलियों के बराबर इसे कहा गया है कंपनी का कहना है तो अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिज़ल्ट इसका खुद ही पता चल जाएगा तो अब हम फायदों की बात करते हैं कि अश्वगंधा क्यों इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों अश्वगंधा को स्ट्रेस रिमूवर भी कहा जाता है अगर आप स्ट्रेस से परेशान हैं आपकी जॉब ऐसी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है या फिर आईटी वगैरह में जॉब करते हैं या फिर कोई और ऐसी जॉब है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अश्वगंधा इस्तेमाल कर सकते हैं रात को अच्छी नींद आती है और स्ट्रेस फ्री रहते हैं दोस्तों बॉडी बिल्डिंग में भी ये इस्तेमाल की जाती है बॉडी बिल्डिंग में अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं मसल गेन करना चाहते हैं तो मसल बढ़ाने में ये मदद करता है काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं जो देसी आयुर्वेदिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है मर्दों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है अश्वगंधा अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम हो तो बहुत सी परेशानियां हो जाती हैं जैसे कि कमज़ोरी फील होने लगती है और भी कई तरह की परेशानियां मर्दों को झेलनी पड़ती है तो यह टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में मदद करता है इसके अलावा इसके और भी कई फ़ायदे हैं जैसे कि स्पर्म काउंट बढ़ाता है इसके अलावा इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी ये मदद करता है आजकल कर इम्यूनिटी भी अच्छी होनी चाहिए ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी रहे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ाने में अश्वगंधा काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है तो अब हम बात करते हैं कि इसे लेना कैसे है दोस्तों ज़्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं कि ये रात को सोने से पहले ही आपने यूज़ करनी है लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि आपको रात को सोने से पहले ही लेनी है अगर आप शुरू में ले रहे हैं तो आप एक कैप्सूल सुबह लीजिए खाने के बाद पानी के साथ और दूसरा कैप्सूल रात को सोने से पहले दूध के साथ लीजिए ऐसे ही आप दो कैप्सूल लीजिए आपको फ़र्क खुद नज़र आएगा तो दोस्तों ये था मार्स बाय जीएचसी अश्वगंधा 500 हंड्रेड कैप्सूल तो आप यूज़ कीजिए एक महीना यूज़ कीजिए आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए